अलगम स्टूडेंट्स आज हमारा सातवां लेक्चर हम छः लेक्चर्स के बाद एक लंबी छुट्टी पे चले गए थे कुछ मसाइल थे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे कुछ टाइम का मसला था तो इस वजह से हमें आप लोगों के लेक्चर्स जारी नहीं रख पाया लेकिन अब हम आ, आ गए वापस इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे इस बार इनशाला हम आपके सारे लेक्चर्स तकरीबन सारे लेक्चर्स पूरे करके ही जाएंगे आज सातवाँ लेक्चर हम लेक्चर शुरू करेंगे अब चूंकि हम रगो पड़ चुके हैं तो आगे हम ये जो सुपर जॉइंट्स है उसमें जो गो है उसमें हम लघु से आगे पढ़ना शुरू करेंगे लघु में क्या होता है लघु बेसिकली दस पर लघु आता है अगर आपको देख अगर आप देखें तो सबसे पहले ये चक्कर ये का के ऊपर आया हुआ है इसके बाद हमारे पास आता है गा। गा के अलावा गा चा जा ता, दा, हा बा और हा ये जो दस हरूफ है बुनियादी हरूफ है इन पे लगो इस्तेमाल होता है लगो इस्तेमाल कर करने के बाद ये क्या आएंगे ये जो ला है उसका पूरा ला के जो आवाज है वो पूरी नहीं आएगी बल्कि अगर हम ला का के साथ लगाएंगे तो ये का बन जाएगा ला की आवाज आएगी ल्गा आएगा ना आएगा चा आएगा जिस हम चे कहते हैं ना चे चक तो ये अगर हम इसको अलग लिखें तो ये लचक बन जाएगा अगर हम उसको साथ बनाए तो चक बन जाएगा ये ला ये चा के ऊपर अगर हम सगो लगाएंगे इस तरह दूसरे ग्रुप के साथ भी अः लगो बनानेगा लग, लगाने का यही तरीका है तो लगो किसके साथ आता है का के साथ आता है का के साथ आ रहा है गा के साथ आ रहे हैं ना के साथ आ रहे हैं चा के साथ आ रहे हैं जा के साथ आ रहे हैं ता के साथ आ रहे हैं धा के साथ आ रहे हैं हा के साथ आ रहा है बा के साथ आ रहे है और हा के साथ आ रहा है तो इन सब के साथ हमारे पास क्या आ रहा है लघु आ रहा है लघु के बाद हमारे पास अगला जो आता है सगो आता है सगो भी लघु की तरह है ऊपर आता है लेकिन पूरा सा जो कि हम पूरा लिखते हैं सगो में इसका अपना कोई अलग से नहीं हम पूरा सा को लिखते हैं, किस किस के साथ आता है या हमारे साथ तेरह हरूफ के साथ आता है ग्यारह गुरुफ के साथ चार दुनिया आठ और नौ दस ग्यारह के साथ हम सगो इस्तेमाल करते हैं तो सगो किस किस के साथ इस्तेमाल होता है का के साथ इस्तेमाल हो सकता है तो का के साथ इस्तेमाल करके हम कैसे यूज करेंगे जिस तरह हम कहते है हैं ना स्कर्बा यानी किस चीज को तोलने को हम क्या कहते हैं स्कर्बा कहते हैं इस तरह हम सगो इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं अगर हम उसको सगो का इस्तेमाल ना करें अलग 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 से तो ये सकरबा हो जाएगा लेकिन हम सगो इस्तेमाल करेंगे तो ये स्कर्बा हो जाएगा यानी सीन और काफ के दरम्यान में कोई एराब नहीं आएगा ये बिल्कुल इसमें हरकत नहीं होगी बल्कि साकििन होगी सीन इसमें साकििन हो जाएगी तो ये सगों के सगो इस तरह हम जब स्पेलिंग बनाएंगे तो इसका इस तरह से इस्तेमाल है तो सबसे पहले का के साथ आया गाह के साथ आया नाह के साथ आया के साथ आया और ता के साथ आया ता के साथ अगर मैं एग्जाम्पल दे तो ये जिस तरह हम स्तरगा बोलते हैं स्तरगा यानी जो हमारा अखरोट है उसको हम स्तरगा बोलते हैं तो अगर हम इसको अलग लिखेंगे तो ये सा तरगा हो जाएगा तरगा तो सा अलग आ जाएगा सा की पूरी आवाज आएगी लेकिन अगर हम इसको साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये सरगा बन जाएगा इसी तरह ये दाह के साथ आता है इस तरह ये ना के साथ भी आता है इसी तरह ये पा के साथ भी आता है बा के साथ भी आता है माँ के साथ और सा के साथ हम सगो इस्तेमाल कर सकते सगो ग्यारह बुनियादी रूफ के साथ हम सगो इस्तेमाल कर सकते हैं आज सातवां लेक्चर यहीं पे अहतम को पहुंचा सातवां लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़े हमने लगो आपको बताया लघु हमारे साथ हमारे पास दस बुनियादी ग्रुप के साथ आता था का के साथ आता था गा के साथ आता था गा के साथ आता था चा जा ता, दा, फा, बा, और हा के साथ लघु आता था इसी तरह का गा द न पा, बा, मा, और चा के साथ चा के साथ हमारे पास लगो आता था तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कलम पहुंचता है आ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप अगले लेक्चर से पहले आपको ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस चैनल का ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसके पी दरकार है तो आप वेबसाइट पर नीचे लिंक दी हुई आप वहां पर जाकर ये पी डाउनलोड करके कर आप घर में भी खुद पढ़ सकते हैं इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे इधर कमेंट में भी पूछ सकते हैं वेबसाइट पर जाकर हमें मेल भी कर सकते हैं इसके अलावा आप हमारे साथ फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है इंस्टाग्राम पर भी आप हमें मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है आप हमें लिंकड इन पे भी मैसेज कर सकते हैं लिंकड इन का भी लिंक दिया हुआ है आप अगर आप आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप ताउन करें इस काम के लिए क्योंकि तो आप उसके लिए भी लिंक नीचे दिया हुआ है आपको उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ ताउन कर सकते हैं अगले नेचर के लिए अल्लाह आपका निगहबार हो अल्लाह हाफिज़